राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। राजस्थान बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है, ये पीएम मोदी के दौरे से अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम मोदी ने 9 महीने में 7 बार राजस्थान के दौरे किए हैं। इस महीने के अंत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में आने वाले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर कितना अहम मान रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव एक साथ होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जबकि तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी के पास राजस्थान और मिजोरम दो ऐसे राज्य हैं जहां जीत की संभावना है। बीजेपी राजस्थान में गहलोत पायलट की लड़ाई का फायदा उठाना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी के सामने आगामी 5 राज्यों में चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी 7 बार राजस्थान आ चुके हैं। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा बना है। पार्टी सूत्रों की माने तो 27 जून को उदयपुर में अमित शाह तो 29 जून को कोटा में नड्डा का प्रस्तावित दौरा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता संभाग में पार्टी को मजबूत करेंगे। राजस्थान में चुनावी साल के लिहाज से शाह और नड्डा का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो 27 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इनके साथ ही बूथ सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम भी अमित शाह करेंगे। साल के अंत तक देश के 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन बीजेपी ने कर्नाटक में मिली हार के बाद अपना पूरा फोकस राजस्थान पर कर लिया है। बीजेपी के लिए विधानसभा और लोकसभा के लिहाज से राजस्थान अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन कराना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार एक तरफा चुनाव जीतती आ रही है। ऐसे में बीजेपी हर हाल में राजस्थान फतेह करना चाहती है। सियासी जानकारों का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चल पाया। ऐसे में पीएम मोदी की योजनाओं के सहारे चुनावी बेतरणी पार करने की कोशिश की जा रही है। महा जनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री, पदाधिकारी और सांसद सभी जिलों में लोगों से संवाद, सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।